हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी विद अमरीन चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम एक नई रेसिपी बना रहे हैं। सभी के घर में पाव भाजी बनती ही है और कभी कभार बच भी जाती है। इसी पाव भाजी की भाजी से आज हम एक यूनिक चीज़ बनाएंगे। ऑलरेडी आप सभी को पता ही है पाव भाजी किस तरह बनी जाती है। मेरे पास ये भाजी बच चुकी है, इससे हम लसानिया बनाएंगे। लसानिया बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी रहती है, आप इसे इजीली बना सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी में क्या क्या हमें लगेगा। अब यहाँ सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे, थोड़ा सा, मिनिमम 2 टेबल स्पून जितना। ये मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है ये व्हाइट सॉस बनाने के लिए। अब यहाँ पे ही मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, इसी में मैं डाल दूँगी मैदा। मैंने यहाँ पे 1.5 TSP मैदा लिया है, जिसे हमें भून लेना है। हम इसकी व्हाइट सॉस बना रहे हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही ज़्यादा रहने देना है। ये भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना मिल्क। 1/2 कप जितना मिल्क डाल के इसे अच्छे से चला लेना है। ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्लाइस जितनी चीज़। यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है। इसे डाल कर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, जिसमें इसमें टेस्ट बढ़ेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लम्स भी नहीं पड़े हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये वाइट सॉस रेडी है। इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। दूसरा एक पैन ले लिया है, गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 TSP जितना ही ऑयल डाला है। हमें सिर्फ इसे सॉटे करना है। अगर आप शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को कम पसंद करते हैं तो आप कम लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डालूँगी वाइट पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए। हमें इसे नरम नहीं करना है, हमें क्रंची ही चाहिए। इसे थोड़ा सा इसी तरह से सोटे कर लीजिए। ये अच्छे से हो चुका है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। हमें मैंने एक छोटे से मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर हमें निकाल लेना है। सभी जगह पर इस तरह से इसे ब्रेड को सेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये पाव भाजी का मसाला। इसी तरह से आपको सभी जगह पे कर लेना है। अब हम डालेंगे वाइट सॉस जो हमने रेडी कर लिया था। अब ये सब जगह पे से स्प्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो मैंने सोटे किया था कैप्सिकम को, ये डाल दूँगी। आप यहाँ पे कैरेट का यूज़ कर सकते हो, कैबेज का भी यूज़ कर सकते हो। आप जो फ्लेवर पसंद करते हो या कॉर्न हो तो आप कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसे दूसरी स्लाइस फिर से रखूँगी। यहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया है। मैं यहाँ पे टेस्ट बढ़ाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। आप सभी जगह पे इसे स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप शेजवान चटनी का या सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ फिर से जाएगा। फिर से वाइट सॉस थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ग्रेट किया हुआ सभी जगह पे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। आप जितना चाहो उतना चीज़ डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं कैप्सिकम को इस तरह से डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पे रख कर गर्म कर लूँगी और इसे अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम सर्व करेंगे। ये अच्छे से ग्रिल हो गया है और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब हम इसे कट करके देखेंगे।
आप देख सकते हो ये कितना डिलीशियस लग रहा है। ये लसानिया रेडी है। आप बची हुई भाजी से इतना टेस्टी और चीज़ी लसानिया बनाएं ज़रूर। मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।